हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बावनाथ ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। रास्ता सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई है 23 अप्रैल को और महीने के आखिरी तक जन जागृति के कई कार्य किए जाने वाले हैं। सुबह जलगांव के आरटीओ कार्यालय में रास्ता सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई, जहां विधायक राजू मामा भोले, महापौर ललित कोल्हे, पुलिस अधीक्षक दत्तात्रेय कराले, एआरटीओ जयंत पाटिल समेत आरटीओ कार्यालय के कर्मचारी, अधिकारी और नागरिकों की मौजूदगी रही थी। और शाम को पुलिस बल की ओर से जन जागृति के लिए प्रदर्शनी के कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। पुलिस मुख्यालय के पास ट्रैफिक दफ्तर के सामने लगाई गई इस प्रदर्शनी में आने का आह्वान पुलिस अधीक्षक ने किया है। 15 दिवसा करता रस्ता सुरक्षा अभियान सर्वत्र साजरा करण्यात येत आहे। आज जळगाव जिल्ह्यामध्ये सुद्धा या रस्ता सुरक्षा अभियानाची सुरुवात झाली आहे। या 15 दिवसाच्या काळामध्ये आम्ही विशिष्ट वेगवेगळ्या प्रकारच्या मोहिमा राबवणार आहोत, जशी दुचाकीवर वाहनावर हेल्मेट नसते, मोबाईलवर बोलत जाणे, अशा छोट्या छोट्या गोष्टीपासून ते अवेअरनेस कॅम्पेन्स किंवा त्यांना सतर्क करणं, जागरूक करणं, अशा अभियान आम्ही राबवणार आहोत। या सुरक्षा सप्ताहाच्या अनुषंगाने मी आपल्याला एवढं सांगू इच्छितो सर्व नागरिकांना आपल्या प्रसारमाध्यमाच्या माध्यमातून की सर्वसामान्यपणे भारतामध्ये दरवर्षी 4.5 लाख अपघात होतात। या अपघातामध्ये 1.5 लाख लोक हे मृत्युमुखी पडतात, बाकीचे जवळ 3 लाख लोक हे जायबंदी होतात। कुणाचा हात, कुणाचा पाय, कुणाचा मेंदूला मार, कुणाचा कमरेचा फ्रॅक्चर, अशा दुर्घटना होतात। तर एक प्रकारे ही 4.5 लाख कुटुंब उद्ध्वस्त होतात। दरवर्षी जर का 1.5 लाख लोक फक्त अपघातात मरतात, तर अजमल कसाचा जो दहशतवादी हल्ला आहे त्याच्याच त्याच्यापेक्षा एक प्रकारचा डेंजरस किंवा घातकी हा वाहतुकीचा सुद्धा दहशतवाद आहे। त्यामुळे आपण नागरिकांनी ह्याचा विचार करणं आवश्यक आहे आणि यामध्ये फक्त दुसऱ्या कुणी सांगण्यापेक्षा आपण स्वतःमधून स्वयंशिस्त आणणं महत्त्वाचं आहे। आपल्याकडे असं कधी कधी उपवासानं म्हटलं जातं की इंडियन्स ड्राईव्ह टू डाय, त्यामुळे आपण ते मरण्यासाठीच गाडी चालवतो किंवा वाहन चालवतो अशा अर्थानं पाहिलं जातं, म्हटलं जातं। त्या दृष्टीने आपण सर्वांनी सजग राहायला पाहिजे, सतर्क राहायला पाहिजे। 5 मिनटं अगोदर निघा, वेळेत पोहोचा, परंतु काही गडबड न करता, सिग्नल जंप न करता, ओव्हरटेक करताना काळजी घ्या, असे माझे आपल्याला आपल्या माध्यमातून नागरिकांना आवाहन आहे, जेणेकरून आपण एक सशक्त आणि समर्थ असा समाज बनवू शकू। कार्यक्रम के दौरान वहां पुलिस अधीक्षक के साथ साथ एडिशनल एसपी बच्चन सिंह, एसडीपीओ सचिन सांगले एवं पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में अपने ही लोगों को नियम से चलने का आह्वान एडिशनल एसपी बच्चन सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि अगर हम ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे सही रास्ते पर ला सकेंगे। साथ ही जब भी कोई नियम तोड़े तो उसे थोड़ी सी जानकारी और जन जागृति जरूर करें, ऐसी भी राय अपने लोगों को दी गई। ये आग्रह हो कि मैं क्यों ट्रैफिक रेगुलेशंस का पालन करूं? एज अ ट्रैफिक कर्मचारी, एज अ अधिकारी, हम तो अपना कर्तव्य हमेशा निभाते हैं, लेकिन क्या छोटी छोटी खबरदारी रख के हम अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं? आप सबको पता है नियरली 422 एक्सीडेंट्स में 422 डेथ्स 2017 साल में हुई रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जलगांव जिले में, एंड लगभग लास्ट 4-5 साल का आंकड़ा भी सेम है। तो हमारी तरफ से कोशिश ये होना चाहिए कि जो हम अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं अवेयरनेस क्रिएशन में, उसको 100% किया जाए। मेरा सभी ट्रैफिक के कर्मचारियों से ये विनती रहेगा कि आप जब भी किसी को अगर पकड़ते हैं फाइन के लिए, साथ में उसको थोड़ा सा अवेयरनेस के बारे में भी बताइए। इस उद्घाटन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कठोर नियम पालन करवाने वाले ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सागर शिंपी के साथ साथ सभी ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों ने मेहनत की है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि सागर शिंपी उन पुलिस वालों में से हैं जो नियम कानून के बारे में खुद की भी नहीं सुनते, तो आपके वसीलों को तो भूल ही जाइए और सीधे तरीके से नियम कानून का पालन कीजिए। इंडिया आप तक समाचार भी आप सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने का आह्वान करता है और आशा करता है कि आप ट्रैफिक दफ्तर में लगी प्रदर्शनी में जरूर आएंगे। जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।